आइए आज आपको लेकर चलते हैं नागेश्वर मंदिर के सफर पर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में बड़ौदा क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर में श्रावण माह में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। चार सोमवार एक रुद्राभिषेक पूजा, एक श्रावण मास जलाभिषेक, एक सोमवार 1008 महामृत्युंजय जाप, ये मुख्य रूप से की जाती है। प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी था। भगवान शिव में उसकी अनन्य भक्ति थी। व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहने के बाद भी वो जो समय बचता उससे आराधना, पूजा और ध्यान में लगाता था। उसकी इस भक्ति से एक दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। वो राक्षस सदा ही ऐसे अवसर की तलाश में रहता था कि वो किस तरह व्यापारी की भक्ति में बाधा पहुंचा सके। एक बार वो व्यापारी नौका से कहीं व्यापारिक कार्य से जा रहा था। उस राक्षस ने ये देख लिया और उसने अवसर पाकर नौका पर आक्रमण कर दिया और नौका के यात्रियों को राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। कैद में भी व्यापारी नित्य क्रम से भगवान शिव की पूजा में लगा रहता था। बंदी गृह में भी व्यापारी के शिव पूजन का समाचार जब उस राक्षस तक पहुंचा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो क्रोध भाव में व्यापारी के पास कारागार में पहुंचा। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उस पर उसी मुद्रा में क्रोध करना प्रारंभ कर दिया। राक्षस के क्रोध का कोई प्रभाव जब व्यापारी पर नहीं पड़ा तो राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि वो व्यापारी को मार डालें। ये आदेश भी व्यापारी को विचलित न कर सके। इस पर भी व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और व्यापारी को पाशुपत अस्त्र स्वयं की रक्षा करने के लिए दिया। इस अस्त्र से उसने राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।